गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक क्विंटल चांदी बरामद किया है। वहीं इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है, जबकि पूरे मामले की जांच को लेकर जीएसटी विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। यह कार्रवाई कुचायकोट पुलिस के द्वारा भटवा मोड़ पर किया गया है। कुचायकोट थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी साक्षी राय ने बताया कि एएसपी के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पूरे जिले में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी वाहन जांच अभियान के तहत भटवा मोड़ के पास यूपी नंबर की लग्जरी कार होंडा की जब जांच की गई तो जांच के दौरान इस कार से 102 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में यूपी के आगरा निवासी मनीष तोमर, जुगल शर्मा और राजकुमार सिंह को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशिक्षु डीएसपी साक्षी राय ने बताया कि इतनी भारी मात्रा में चांदी की बरामदगी को लेकर जीएसटी विभाग को भी सूचना दे दी गई है। जीएसटी विभाग के अधिकारी गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों से पूछताछ करेगी। डीएसपी ने बताया कि बरामद चांदी को यूपी के आगरा से मुजफ्फरपुर के लिए ले जाया जा रहा था। बता दें कि चांदी की बरामदगी से कुछ दिन पहले ही कुचायकोट पुलिस ने कार से 20 लाख रुपए नगद भी बरामद किया था। इसके जांच भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपी गई थी। अब चांदी की बरामदगी के बाद लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। के निर्देशानुसार शराब एवं मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में एक होंडा कार में भटवा मोड़ के पास लगभग 102 किलो चांदी बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम है जुगल शर्मा पिता हरीश शर्मा, मनीष तोमर पिता कमलेश तोमर, राजकुमार पिता कुंवर सिंह। ये लोग आगरा थाना कमला नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये लोग आगरा से मुजफ्फरपुर चांदी को लेकर जा रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई के लिए जीएसटी विभाग से कोऑर्डिनेट किया गया। गोपालगंज से नवाब अहमद की रिपोर्ट।